मतलब कि अर्थव्यवस्था की जो मूल जानकारी, जो अभी हम बोल रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो अर्थव्यवस्था की मूल जो जानकारी है उसको हम लोग यहां पर समझेंगे। अर्थव्यवस्था साथ ही अर्थशास्त्र, ये भी समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसमें अंतर है, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसका मतलब क्या है। अर्थशास्त्र का ध्यान रखिएगा, ये दो शब्दों से बना हुआ है, अर्थ शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, आर्थिक, रुपए पैसा। तो धन का जो शास्त्र है, शास्त्र मतलब एक तरह से हो गया जो क्रियाएं हैं, शास्त्र है एक हथियार के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर धन के शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र का मतलब यह हुआ कि जिसमें हम लोग धन के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है, धन का शास्त्र यही कहलाता है अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग जो भी समाज में होने वाले या फिर देश की अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाले विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा यहां पर जो हम लोग अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वही अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। जैसे कि हमारे समाज में जो भी क्रियाएं होती है वो दो तरह की क्रियाएं होती है। किसी देश में आप देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी समाज में देखिए, तो दो तरह की क्रियाएं देखने को मिलती है। एक जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं, और जो दूसरा जो होता है अनार्थिक, अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं का सीधा सा इसका अर्थ है कि जिसमें कि धन का लेन देन नहीं होता है, धन रुपए पैसे का लेन देन पर यह निर्भर नहीं होता है। जैसे कि आप टहल रहे हैं, एग्जाम्पल इसका टहलना, इसमें आर्थिक लेन देन कुछ नहीं है। दौड़ रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, खाना बनाना घर में, ध्यान रखिएगा हम रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यही अगर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो वहां पर धन का अर्थशास्त्र हो जाता है, मतलब कि ये आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन घर में जैसे कि मम्मी पापा आप खुद खाना बना रहे हैं घर में, तो अनार्थिक क्रिया होती है। क्लियर है। अब आर्थिक क्रियाएं होती है जिसमें कि रुपए पैसे का लेन देन होता है, जैसे कि खरीदारी करना, सेल हो गया, परचेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब सवाल उठता है कि जो हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में या फिर अनार्थिक क्रियाओं के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा कि हम लोग जो अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, चूंकि हम लोग अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन करते हैं, धन के शास्त्र के बारे में, तो वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। मतलब कि आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में किसी देश की अर्थव्यवस्था में करते हैं, न कि अनार्थिक क्रियाओं का। क्लियर है यहां पर, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें से कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब यहां पर देखिएगा अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती है। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो सबसे पहले तो यह निश्चित किया जाता है कि जो मानव है, मानव के लिए कुछ आवश्यकताएं की चीजें हैं, जैसे कि खाद्यान्न, हमारे लिए खाद्यान्न आवश्यक है, क्योंकि बिना खाद्यान्न के कोई जो मानव है जीवित नहीं रह सकता है, तो उसका उत्पादन करना होगा। तो उत्पादन कैसे किया जाए ये सबसे बड़े पहले निर्भर करता है कि उत्पादन कैसे हो। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि उत्पादन क्या किया जाए, जो देश में जरूरत है मानव के लिए जो जरूरी है, और उसकी जो कि देखिएगा भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग चीजें।
देखिएगा, अब भारत में ही देखिए, अलग अलग प्रांतों में जाइएगा तो अलग अलग खाद्यान्न वस्तुएं वहां पर मिलेगी, खाने की वस्तुएं। जैसे कि आप चले जाइए साउथ में तो वहां पर इडली होगी, इडली हो गया, सांबर बड़ा हो गया, या फिर जो साउथ डिशेज वहां पर देखने, गुजरात में चले जाइए तो गुजरात डिशेज वगैरह, तो वहां पर उसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भी वहां पर डिपेंड करता है कि वहां पर क्या उत्पादन किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्र में इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं, उत्पादन क्या करना है, उत्पादन कैसे किया जाए, उपभोग, उपभोग का भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, आर्थिक जो लेन धन, लोक वित्त के बारे में, धन के बारे में, वो सारे, क्योंकि जब भी उत्पादन होगा, उपभोग होगा, तो वहां पर एक लोक वित्त की जरूरत पड़ती है, मतलब पैसे का लेन देन होता है, वहां पर खरीदारी किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसी में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज वगैरह हो गया, वो अर्थशास्त्र का ही भाग है जो हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लियर यहां पर? अब यहां पर देखिएगा, एक शब्द यहां पर देखिएगा अर्थशास्त्र, और एक किया था अर्थव्यवस्था। तो सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इन दोनों में क्या दोनों एक ही हैं, या फिर दोनों में अलग मीनिंग अलग अलग है? अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी कहा जाता है, इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग, इसका मीनिंग तो समझ गए, जो धन का शास्त्र है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थ का शास्त्र के बारे में अध्ययन हम लोग यहाँ करते हैं, जैसे उपभोग हो गया, विनिमय हो गया, उत्पादन हो गया, लोकवित्त हो गया, उन सब के बारे में हम लोग अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का ही दूसरा पहलू अर्थव्यवस्था, लेकिन अर्थव्यवस्था इस संदर्भ में है कि उस देश में आर्थिक जो क्रियाएं हो रही है वो किस पर निर्भर है। जैसे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि है, पर्यटन है, उद्योग है, कृषि संबंधित अन्य उद्योग है, इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो लघु वगैरह उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, हथकला है, हथकरघा है, वो सारी पर निर्भर करता है। एक्चुअली देखा जाए तो अर्थव्यवस्था जो है ये अधूरा शब्द है, इसको किसी देश के साथ, किसी क्षेत्र के साथ, या फिर किसी अन्य कालखंड के अनुसार अगर इसको जोड़ते हैं तब जाकर ये पूरा बनता है। जैसे कि हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तब जाकर इसका मीनिंग हमें पता चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके प्रमुख उद्योग, मतलब प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार जो है कृषि है, पर्यटन है, उद्योग है, अन्य बहुत सारे हथकरघा, हस्तशिल्प वगैरह है जो इसके प्रमुख विशेषता है। उसी तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसकी अपनी विशेषता है, जिसमें की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है सेवा क्षेत्र का है। तो हर एक, अब हम बात करते हैं कालखंड के अनुसार, जैसे कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, तब जाकर ये पूरा शब्द बना, मतलब कि प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उस समय तो इतना ज्यादा समृद्ध नहीं हुआ था, परिवहन समृद्ध नहीं था, उद्योग इतना समृद्ध नहीं था, तो उस समय कृषि के जो सामान थे, कृषि का उत्पादन किया जाता था और आसपास के क्षेत्र में बेचा जाता था, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वही था, पशुपालन वगैरह था, प्राचीन अर्थव्यवस्था का आधार वही था। व्यापार होते थे दूसरे देशों के साथ, लेकिन बहुत ही कम व्यापार होते थे, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो ये प्राचीन अर्थव्यवस्था का आधार आपको बताता है, क्लियर है? तो ये दोनों अंतर हैं और दोनों में कुछ समरूपता भी है, जो हमने यहां पर दोनों का मीनिंग भी हमने बताया, अर्थशास्त्र का और अर्थव्यवस्था का। यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि पॉइंट वगैरह भी पूछा जाता है। तो
अर्थशास्त्र लिखकर डैश दीजिएगा और उसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट, अर्थशास्त्र लिखकर डैश दीजिए और उसमें लिखिए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में लिखिएगा धन का शास्त्र अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन, सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र के पांच प्रमुख स्तंभ हैं, फाइव पिलर इसको बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र के फाइव जो पिलर बताए गए हैं, पहला इसमें उपभोग है, दूसरा उत्पादन, तो दूसरा पॉइंट में वही लिखिएगा अर्थशास्त्र के पांच प्रमुख स्तंभ हैं, अर्थशास्त्र के पांच प्रमुख स्तंभ हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा पहला लिखिएगा उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण, चौथा विनियम, सॉरी विनिमय एक्सचेंज, और पांचवा जो है वो है लोकवित्त। ये पांच प्रमुख स्तंभ है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, उपभोग, उत्पादन, वितरण, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और पब्लिक फाइनेंस, लोकवित्त। ये दो शाखाओं में बटा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, उसको हम बाद में बताएंगे। ये क्रिया आप लिख लिए होंगे कि समाज में दो क्रियाएं देखने को मिलती है, उसी के जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसी का हम लोग अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थव्यवस्था लिख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का ही दूसरा पहलू अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र का ही दूसरा पहलू अर्थव्यवस्था है। जैसे कि हमने बताया कि ये किसी देश के साथ, किसी क्षेत्र के साथ, किसी कालखंड के अनुसार इसको जोड़ते हैं तब इसका जाकर पूरा मीनिंग मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र सॉरी अर्थव्यवस्था एक किसी क्षेत्र के अंतर्गत उस देश में या फिर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आजीविका का जो साधन है वो निर्धारित करता है। जैसे कि हमने बताया कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, तो कृषि निर्धारित कर रहा है कि यहां पर रहने वाले लोगों की आजीविका का आधार जो है कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, हस्तकरघा है, हस्तशिल्प है, इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रमुख उद्योग इसमें शामिल हो सकते हैं, परिवहन है। तो इस पॉइंट को लिखिए अर्थव्यवस्था, लिखकर डैश दीजिएगा और इसमें पहला पॉइंट लिखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसी में कंटिन्यू कीजिएगा, व्यवहारिक पक्ष है, कंटिन्यू कीजिएगा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से
वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप, वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल हैं। अब इसमें एक लास्ट दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट ये लिखिए, अब दूसरा इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में, अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले, एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी, रहने वाले लोग अपनी आजीविका, आजीविका लाइवलीहुड, लाइवलीहुड आजीविका प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अभी तक हम ये समझें कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले तो आर्थिक क्रियाएं समझेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र भी एक साइंस ही है, साइंस का है, साइंस के रूप में इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, एक विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, और जो समाज में होने वाली आर्थिक क्रियाएं उसी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसके पांच पिलर आते हैं, पांच स्तंभ आते हैं, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनियम, सॉरी विनिमय और लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस। अब अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी देश में रहने वाले लोगों का जो आजीविका का जो साधन है, जैसे कि उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, वस्तु एवं सेवाओं का वितरण हो गया, उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थव्यवस्था एक चूंकि अधूरा शब्द है, इसको किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी कालखंड के अनुसार जोड़ते हैं, तब जाकर इसका हमें पूरा अर्थ पता चल पाता है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि यह एक मिश्रित देश वाला अर्थव्यवस्था, जो आगे हम बताएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश किसे कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और इसके अंतर्गत जैसे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, टेक्सटाइल्स है और अन्य बहुत सारे जो हस्तकरघा, हस्तशिल्प, हस्त जो स्थानीय उत्पाद है उस पर निर्भर है। अब आते हैं अर्थशास्त्र के जो विभिन्न प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था के भी विभिन्न प्रकार वर्गीकरण हम लोग करेंगे। पहले हम लोग अर्थशास्त्र के जो विभिन्न वर्गीकरण है उसको हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, तो इसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। एक्चुअली इसके अध्ययन को ये दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो और मैक्रो। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के अध्ययन को, तो दो स्तर पर यहां पर अध्ययन किया जाता है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। व्यष्टि को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो समष्टि है इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से ही इसमें पता चल गया कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। अर्थव्यवस्था में जिन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम लोग स्मॉल स्तर पर इंडिविजुअली व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब कि इसमें हम लोग स्मॉल स्तर पर, छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत किसी फर्म के बारे में,
इंडिविजुअल फर्म के बारे में, किसी संस्था के बारे में इंडिविजुअल, जैसे कि यहां पर हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के इनकम पर, किसी व्यक्ति के जो डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र में जो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, मतलब इंडिविजुअली व्यक्तिगत या किसी एक संस्था के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि जो मैक्रो, यह शब्द है मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल पर जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ये स्मॉल स्केल पर और ये लार्ज स्केल पर जिसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देश का राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय तो लार्ज पर है, देश के देश स्तर पर हो गया राष्ट्रीय आय, देश का जो आय है। और देश का आय हम लोग कैसे निकालते हैं, हर एक व्यक्तियों के आय को जोड़कर देश का आय निकाला जाता है, क्लियर है। तो ये लार्ज स्केल पर अध्ययन किया जाता है लोक वित्त के बारे में, बैंकिंग के बारे में। तो ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसी एक बड़े क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव है उसके अध्ययन को ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। और जब हम इसको स्मॉल स्केल की बात करते हैं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग होता है, व्यक्तिगत या फर्म का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। क्लियर यहां तक सभी को, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें आप कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका भी डिफिनेशन लिखवाना है, ऐसे तो नोट्स मिलेगा तो वहां पर आपको मिलेगा ही, क्योंकि वो बेसिक है इसलिए इसका तो। और हम लोग के सिलेबस में ध्यान रखिएगा, ये तो हम लोग एक डिफिनेशन में सब ये पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे और भी डिटेल में, जैसे कि डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में, ये सारे हमारे सिलेबस में है, पढ़ना है। उसी तरह जैसे कि हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करने वाले हैं अगले क्लास में, तो नेशनल इनकम इसके अंतर्गत, फिर जो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसके अलावा जो बैंकिंग वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, तो सॉरी इसमें आएगा आपका, तो उन सारे टॉपिक को, लोक वित्त के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन हम लोगों को करना है, केंद्रीय बैंक की जो भूमिका वगैरह है, तो ये हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसलिए देखिएगा सिलेबस जो हमने कल बताया था, तो ये तीन भागों में बटा हुआ था, एक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यष्टि समष्टि, ये तीन भाग में, एक चौथा भी भाग था झारखंड की अर्थव्यवस्था जो हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट यहां पर, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है, एडम स्मिथ बहुत बड़े एक महान अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें जाना जाता है पूरे देश, पूरे विश्व भर में, तो वही व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता है, प्रणेता है एडम स्मिथ। इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को एक अन्य नाम से सूक्ष्म, हिंदी में सूक्ष्म भी बोला जाता है, माइक्रो का मतलब होता है क्या है, हिंदी में सूक्ष्म भी होता है, माइक्रो को सूक्ष्म भी बोला जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मजदूरी हो गया, लगान हो गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया, इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, फिर किन्हें माना जाता है, एडम स्मिथ और जो समष्टि अर्थशास्त्र के किंग्स, इनका पूरा नाम है जॉन जॉन मेनार्ड किंग्स, ये इनके जन्मदाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी, किन्स की एक पुस्तक आई थी, ये 1930 के दशक में
और उसी पुस्तक से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, और इस पुस्तक का नाम था दी, पुस्तक का नाम ऊपर लिख रहे हैं, दी जनरल थ्योरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। तो जब ये पुस्तक आई थी उसके बाद ही ये मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूछा जाए, जैसे कि हमने बताया राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, बैंकिंग के बारे में, केंद्रीय बैंक के बारे में, लोक वित्त के बारे में, तो ये बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें और अध्ययन क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन के बारे में, मनी करेंसी के बारे में, मनी एंड इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति है, हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है जो हमारे सिलेबस में भी है, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये अर्थशास्त्र और उसके जो विभिन्न जो प्रकार हैं उन सब पर हमने अध्ययन किया। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो हमने यहाँ पर बताया था उसके अब अगले पहलू में जाते हैं। अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न प्रकार है, जैसे कि अभी बता रहे थे ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसी तरह विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो ये विभिन्न वर्गों में अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया गया है। तो चलिए अब उस पर हम लोग बात करते हैं। यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार को भी यहां पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था के प्रकार को डिवाइड किया जाता है इनके नेचर के आधार पर अलग अलग तरीके से। पहला जो इसमें वर्गीकरण किया गया है वो नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। दूसरा जो यहां पर बांटा गया है वो है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर वर्गीकरण। और जो तीसरा बांटा गया है वो वैश्विक संबंधी के आधार पर, वैश्विक वैश्विक संबंधों के आधार पर, आधार पर। अब यहां पर आते हैं सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर। तो नियंत्रण के अर्थ आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा जो होता है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया, जैसे कि अभी हम बता रहे थे, जिसमें कि था कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे कि अल्प विकसित में कौन कौन सा आएगा, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल वगैरह हो गया, अफ्रीका, अफ्रीकी कंट्री बहुत सारे इसमें आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, विकासशील अर्थव्यवस्था। और चौथा जो तीसरा जो इसमें आ जाता है वो है विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी,
जापान, फ्रांस और विकसित अर्थव्यवस्था, और भी बहुत सारी इसमें कंट्री आ जाएंगे। और ये वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर आप खुद सोच सकते हैं। जैसे कि वैश्विक संबंध में देखिएगा तो बहुत सारे देश जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। अभी तो वर्तमान में एक ही ऐसा देश हमें देखने को मिलता है जो कि आइसोलेटेड है, अदरवाइज सारे तो अब हर एक देश में कुछ ना कुछ संबंध है। हाँ, जो शत्रु राष्ट्र है वो भी आपस में संबंध रखता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन बीच में आ जाता है। इसीलिए यहां पर वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा जाता है, एक खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था वाले देश, और दूसरा जो होता है वो बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश, क्लोज्ड इकोनॉमी, ये ओपन इकोनॉमी कहलाएगा इंग्लिश में, ओपन इकोनॉमी और ये क्लोज्ड इकोनॉमी। अब इनका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या क्या है। पहले ये एक टेबल आप बना लीजिए, अपने भी नोट्स में ये सब बनाइएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के भी नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नोट कर लिए, चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर पहले कैटेगरी में ही, अर्थव्यवस्था का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल और नियंत्रण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो देश की सरकारी होती है वो इसके नियंत्रण के आधार पर इसको डिवीजन किया हुआ है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, उदारवादी, लिबराइज्ड, लिबरल इकोनॉमी। उदारवादी का मतलब कि यहां पर सरकार जो होती है रिस्ट्रिक्शन सारे हटा देती है। रिस्ट्रिक्शन हटाने का मतलब ये, जैसे कि किसी देश में देखिएगा कि कुछ सरकार चीजें चलाती है और कुछ निजी प्राइवेट सेक्टर वाले चलाते हैं। पूंजीवादी या उदारवादी में ये देखने को मिलता है। उदारवादी का मतलब ये हुआ कि सरकार ने सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे प्रतिबंध हटा दिए, अब सारे के सारे निजी क्षेत्र में आ चुके हैं। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तो ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूंजीवादी, ब्रिटेन वगैरह हो गया, आयरलैंड वगैरह हो गया, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जांपल है क्योंकि यहां पर निजी क्षेत्र का योगदान, निजी क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। सरकार ने उदारवादी नीति अपनाई है, सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं, हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र आकर अपना काम करेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें जैसे कि यहां पर देखिए पूंजीवादी में सिर्फ निजी क्षेत्र होता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ सरकार की भूमिका होती है, इस पर बहुत सारे नियंत्रण होते हैं। हर एक क्षेत्र में सरकार प्रतिबंध लगा के रखती है कि एजुकेशन सेक्टर में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है, कृषि उत्पादन में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है, तो सरकार उसमें नियंत्रण और प्रतिबंध लगाकर रखती है, तो इसी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कि अभी इसमें उत्तर कोरिया एक एग्जाम्पल हो सकता है। चीन भी कुछ हद तक बोल सकते हैं कि समाजवादी नीति अपनाता है, चीन में भी बहुत हद तक, हाँ लेकिन धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ती जा रहा है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इसमें आ चुके हैं, लेकिन कुछ हद तक अभी बोला जाए तो समाजवादी के अंतर्गत ही रखा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें होती हैं, सरकार प्रतिबंध लगा के भी रखती है और कुछ क्षेत्र में फ्रीली छोड़ देती है कि निजी क्षेत्र भी आकर अपना काम कर सकते हैं, मतलब कि सरकार की भी भूमिका इसमें होगी और निजी क्षेत्रों की। और दुनिया के अधिकतर देश जो हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार की भी भूमिका रहेगी और प्राइवेट सेक्टर की भी भूमिका इसमें होती है। जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, मतलब दुनिया के अधिकतर देश जो हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में आते हैं। इसमें सरकार प्रतिबंधी सदा पर लगती, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे में देखिए अभी प्राइवेट सेक्टर
नहीं आ सकते हैं। अगर हाँ सरकार अगर पीपीपी के मोड पर आधार पर रखती है तो रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं। तंबाकू वगैरह हो गया या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे सेक्टर वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, तो उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखा गया है। या फिर जो बोल सकते हैं आपका जो वायुयान वगैरह हो गया, अंतरिक्ष वगैरह से संबंधित हो गया, तो उसमें बहुत सारे चीजें, केमिकल वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, या फिर जो परमाणु उद्योग वगैरह हो गया, तो वो सारे गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट सेक्टर उसमें कोई रोल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को दिया ही नहीं गया है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, जिसमें सरकार भी अपना हॉस्पिटल चला रही है और प्राइवेट सेक्टर भी हॉस्पिटल चला रहे हैं, सरकार भी अपना स्कूल और कॉलेज चला रही है तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी चला रहे हैं, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो ये इन तीनों का मतलब हो गया। अब आते हैं यहां पर विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। जैसे देखिएगा किसी देश का डेवलपमेंट किस पर निर्भर करता है, वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर, प्राकृतिक संसाधन पर, मानवीय संसाधन पर, मानव जो संसाधन, जैसे कि बोला जाता है कि विश्व में भारत जो है मानवीय मानव संसाधन में सबसे आगे है, चीन सबसे आगे है, क्योंकि यहां पर जितनी जनसंख्या रहेगी वहां पर उतना ही मानव संसाधन होगा, तो मानवीय संसाधन। और एक भौतिक संसाधन पर निर्भर करता है, भौतिक संसाधन। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, अल्प विकसित या फिर इसको अविकसित भी कहा जाता है, अविकसित, अंडर डेवलपमेंट। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन नगण्य है, मतलब न के बराबर है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव वगैरह, दक्षिणी ध्रुव में चले जाइए, सहारा में चले जाइए, मरुस्थल क्षेत्र में भारत के रेगिस्तान वगैरह में चले जाइए, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, चारों तरफ बालू या बर्फ पानी सब है, प्राकृतिक संसाधन न के बराबर। मानवीय संसाधन, मानव भी वहां पर बहुत कम रहता है और भौतिक संसाधन भी बहुत कम है, नगण्य है, तो उसी को कहा गया है अल्प विकसित या अविकसित या अंडर डेवलप्ड कंट्री। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश किसे कहा गया है, तो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन विकासशील देशों में या फिर भौतिक संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता है। हाँ, समय के साथ उसमें विकास होता है, जैसे भारत देखिए, भारत भी कभी एक विकासशील देश में था, लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बदल रही है, भारत अपने संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग कर रहा है, और कुछ प्राकृतिक संसाधन भले ही भारत में ना हो तो दूसरे देश उसे मंगाया जा रहा है ताकि हम अपने डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सके। तो इसमें ये सारे संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, मानवीय संसाधन भी होते हैं और भौतिक संसाधन भी होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा भी होते हैं, लेकिन उनका विकास का आधार उस अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, मतलब अभी वो प्रोसेस में है। जैसे कि एजुकेशन, हमारे यहाँ एजुकेशन में आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले कल्पना कीजिए और आज की कल्पना कीजिए, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डेवलपमेंट हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसमें और डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि हर किसी को शिक्षा मिल सके, हर किसी को उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य की सुविधा हर किसी को मिल सके, तो ये इसी को कहा जाता है विकासशील देशों के अंदर। और विकसित देश में, विकसित देश मतलब कि ये सारे समृद्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन के मामले में भी, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में परिपूर्ण है, ये परिपूर्ण है, और ये एक चरम अवस्था पर, ऐसा नहीं है कि कोई देश चरम अवस्था पर पहुंच जाता है, पहुंच सकता है, जैसे कि मानवीय इच्छा बहुत असीमित है, मानव को जितना मिलता रहेगा उतना ही उसके लिए कम होता है, तो किसी देश को विकसित नहीं बोला जा सकता है कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट की विकसित का मतलब ये नहीं रखना है कि कंप्लीट हो चुका उसका काम, कंप्लीट होगा तो वो खत्म हो जाएगा, प्रोसेस में है। इन देशों के मुकाबले अगर इसकी तुलना किया जाए ये ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो भारत के मुकाबले बहुत आगे है डेवलपमेंट में, जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, भले ही छोटे कंट्रीज हैं लेकिन बहुत सारे चीजों में ये बहुत आगे हैं, क्लियर है। तो ये तीनों, तो तीन वर्ग जो हुआ था विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसको हमने चर्चा कर लिया। अब आते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर, इसका तो नाम से ही पता चल जा रहा है, खुली अर्थव्यवस्था वाला देश, मतलब कि एक देश दूसरे देश के साथ या फिर विभिन्न देशों के साथ जो व्यापार करता है
वो खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है, व्यापार यहां पर बिना किसी प्रतिबंध होता है, लेकिन वो व्यापार करता है दूसरे देशों के साथ, कुछ प्रतिबंध भी हो सकता है, कुछ टैक्सेस वगैरह भी हो सकता है, लेकिन व्यापार करता है, खुली अर्थव्यवस्था वाला। आज के डेट में दुनिया के सारे कंट्री एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे खुली अर्थव्यवस्था वाले देश में आते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि आप आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब कि अपने देश में व्यापार हो रहा है, जैसे उत्तर कोरिया इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। उत्तर कोरिया, इसमें व्यापार हो रहा है, बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों में व्यापार हो रहा है, लेकिन अपने ही देश के भीतर सिर्फ देश के अंदर व्यापार, सिर्फ देश के अंदर ही इसमें व्यापार होता है, दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं होगा। जैसे उत्तर कोरिया सिर्फ उत्तर कोरिया तक ही सीमित है, उसको दूसरे देश से मतलब नहीं है। जो भी उपभोग होगा, सॉरी जो भी उत्पादन होगा, जो भी उपभोग होगा, जो भी विनिमय होगा, या फिर जो भी लोक वित्त का माध्यम होगा, या फिर जो भी अन्य संबंधित होगा, वो सारे के सारे देश के भीतर ही होगा, दूसरे देश से इसको कोई मतलब नहीं है, या फिर दूसरे देशों को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, बॉर्डर तक ही सीमित है, अपने देश तक ही सीमित है, दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं है। तो अभी ऐसा एक ही देश है उत्तर कोरिया, बाकी सारे खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत भी एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है, मतलब दुनिया के सारे देश एक्सेप्ट उत्तर कोरिया, ओपन इकोनॉमी। क्लियर है? तो ये अर्थव्यवस्था का जो प्रकार था, नियंत्रण के आधार पर तीन प्रकार, विकास के आधार पर तीन प्रकार, और वैश्विक संबंधों के आधार पर तीन प्रकार, उसके बारे में हमने यहां पर चर्चा कर लिया है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है यहां पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, या फिर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी कहा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो है वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा जो होता है द्वितीयक क्षेत्रक, और जो तीसरा होता है उसको तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और ये टर्शियरी सेक्टर कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, ALLIED, एलाइड एक्टिविटीज सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण
क्षेत्रक या फिर औद्योगिक क्षेत्रक, इंग्लिश में इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार मतलब जो निर्माण होता है इन्हीं तीनों क्षेत्रों के आधार पर होता है। किसी भी देश की भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, जर्मनी की, फ्रांस की, रूस की, कनाडा की, तो इन्हीं तीनों क्षेत्र को मिलाकर ही किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। जैसे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन है, अभी हमने बताया ना कि अर्थव्यवस्था किसी देश में रहने वाले लोगों के जो आजीविका का जो विभिन्न भाग है वही कहलाता है अर्थव्यवस्था। तो जैसे किसी देश का पर्यटन है तो पर्यटन इन तीनों में से किसी के एक कैटेगरी में आएगा। कृषि है, मत्स्य पालन है, तो ये तीनों में से किसी एक का भाग होगा। कार का निर्माण हो रहा है या फिर हम एक हस्तशिल्प या फिर हथकला चित्रकला का निर्माण हो रहा है, तो ये तीनों में से किसी का एक का ही भाग होगा। जैसे पर्यटन उद्योग, तो पर्यटन सेवा के अंतर्गत आता है, पर्यटन एक सेवा का कार्य है। अब यहां पर आते हैं एक एक करके, अब इसको देखते हैं। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र इसी को कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। इसके जो एग्जांपल हो सकते हैं सीधा तो एग्रीकल्चर तो दिया ही हुआ है, कृषि हो गया, कृषि हो गया, फिर वन उत्पाद हो गया, वन उत्पाद हो गया, वानिकी, वानिकी, खनन वगैरह भी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया। तो ये सारे जितने भी उद्योग है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, वन उत्पाद का संग्रह वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, डेयरी, पशुपालन, ये संबंधित है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के अंतर्गत। अब यहां पर द्वितीय क्षेत्र में आते हैं जिसे विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र। जो भी प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मेटेरियल के रूप में हमें प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से या फिर अन्य किसी साधन से प्राप्त होता है और उसका फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं और एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे कि एक कार का हम निर्माण कर रहे हैं, मोबाइल का निर्माण कर रहे हैं, लैपटॉप का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का निर्माण कर रहे हैं या फिर फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मेज का हम निर्माण कर रहे हैं, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आएगा। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, परिवहन एक सेवा है, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, पर्यटन, इत्यादि, तो ये सारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें प्राप्त होता है उसी का उपयोग करके हम लोग द्वितीय क्षेत्र में किसी भी नया एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र मदद करता है द्वितीय क्षेत्र को, यहां तक कि तृतीय क्षेत्र को भी। अगर परिवहन है, परिवहन का हम उपयोग कर रहे हैं, तो परिवहन मदद करता है प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को। यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये निकला, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को मदद कर रहा है, उसी तरह तृतीय क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को भी और द्वितीय क्षेत्र को भी मदद करता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र के बिना प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। जैसे परिवहन का ही एग्जाम्पल लीजिए, एक किसान ने गेहूं का उत्पादन कर दिया तो वो खलिहान में ही पड़ा रहेगा जब तक परिवहन का साधन ना हो, चाहे वो बैलगाड़ी ही क्यों ना हो, कार ही क्यों, मतलब ट्रक ही क्यों ना, ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, तो परिवहन का ही एक साधन है। सड़क क्यों ना हो, वो परिवहन का ही साधन है, तभी तो उसके माध्यम से बाजार तक, मार्केट तक वो उत्पाद को पहुंचाया जाएगा। कार का ही निर्माण हो रहा है तो कार में रॉ मटेरियल है, तो जो यहां पर जहां पर उत्पादन हुआ
उसके बाद कार को मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वहां तक पहुंचाइए, फिर वहां से फिर ऑफिस तक पहुंचाइए, तो उसमें परिवहन सेवा क्षेत्र या फिर इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कराया जाता है, बीमा कराया जाता है, बैंकिंग, इन सब में सारे काम में बैंकिंग बहुत बड़ी भूमिका है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में काम को करने में। तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की मदद करता है, प्राथमिक क्षेत्र की भी और द्वितीय क्षेत्र की भी। इसीलिए देखिएगा किसी देश की अर्थव्यवस्था में अभी सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का हो चुका है। जैसे भारत की भी आगे हम बताएंगे कल क्लास में नेशनल इनकम, तो उसमें देखिएगा नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तृतीय क्षेत्र का है, जबकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, नगण्य है कुछ भी सेवा, जैसे कि हम आपसे टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर टीचिंग भी एक सेवा है, सर्विस है ये, यहाँ पर किसी भी सेवाओं का, यहाँ पर वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है बल्कि नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, आपके अंदर स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और ये सेक्टर अभी भारत का सबसे बड़ा सेक्टर के अंतर्गत जाना जाता है, क्लियर है, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को काफी हद तक मदद करता है। अब इसमें किसी को डाउट है यहां पर, किस पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसके आगे जो हम लोग हैं अब अगले क्लास में नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे, ये जो पहला टॉपिक है 15 टॉपिक में बटा हुआ है, एक एक करके हम लोग सारे को अध्ययन करेंगे जिससे कि सारे सिलेबस हमारा अच्छे से कवर हो। आज के सेशन में कोई डाउट है, किन्हीं को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू रिबन। हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किन्हीं का पिछले क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सब यहां पर पूछ सकते हैं। पिछला क्लास में हमने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का डिफिनिशंस, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, अर्थशास्त्र के जो दो डिवीजन किए गए हैं, दो प्रमुख भाग हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। फिर हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, अर्थव्यवस्था के भी तीन प्रकार थे, अर्थव्यवस्था को का वर्गीकरण जो किया जाता है तीन प्रकारों से किया जाता है, जिसमें कि पहले हमने नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद हमने विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था, और फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था और खुली हुई अर्थव्यवस्था वाले देश, ये हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। फिर हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह भी हमने डिस्कस किए थे, अन्य तथ्य वगैरह भी आपको हमने बताया था। आज हम लोग यहाँ पर अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र के वहां से प्रारंभ करेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र का तो हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था, अब हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर जो है नेशनल इनकम पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में जो हमने डिस्कस किया था आपको, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया और तृतीय क्षेत्र हो गया, उनके बारे में हमने वो चर्चा किया। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को जो टर्शरी सेक्टर है उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों की सहायता करता है, और इसमें विभिन्न तरह के जो क्रियाएं हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहेंगे।
वह अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के इस प्रकार में हम इस आधार पर इसको डिवाइन किए हुए हैं। जैसे कि आप देखिएगा, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जो संगठित अर्थव्यवस्था या क्षेत्र के प्रकार के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के प्रकार के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। एक होता है संगठित क्षेत्र, संगठित इंग्लिश में इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, और एक होता है असंगठित क्षेत्र। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्रियाएं जो नियमों के अनुरूप सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं और एक रेगुलेट किए जाते हैं किसी संस्था या फिर जो सरकार के विभिन्न संगठन बनाए गए उनके माध्यम से। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होते हैं वो सारे के सारे कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट प्रदान करते हैं। जैसे कि इसमें जो सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, वो भी नियमित होता है, एक नियम के अनुसार मिलता है। जॉब भी इसमें सिक्योर होता है। जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें देखिएगा सिक्योर होता है। उसमें लीव लेने पर भी व्यक्ति को वेतन दिया जाता है, एक समय के अनुसार जॉब पर जाना पड़ता है, जॉब के पर से आना पड़ता है, तो वहां पर सब नियमों के अनुसार होता है, रूल्स रेगुलेशन के अनुसार सारे यहां पर क्रियाएं होते हैं। लीव लेने पर मटर्निटी लीव वगैरह, यहां पर जैसे बहुत सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज का मतलब ही है कि यहां पर कोई नियमों का पालन नहीं होता है। अगर ये चलते हैं तो अपने अनुसार चलते हैं। जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में भी देखिएगा, बहुत सारे असंगठित बैंकिंग क्षेत्र मिलते हैं, बैंकिंग संस्थान। जैसे कि एक साहूकार जो लोन देता है तो क्या आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट, बैंक रेट तय किया जाता है उसके अनुसार दिया जाता है, तो उसका उत्तर होगा नहीं। उनका अपना ही रेपो रेट का प्रावधान देखने को मिलता है। रेपो रेट उनका अपना तय किया, मतलब कि उनको कोई मतलब ही नहीं है रेपो रेट से। अगर एक साहूकार से लोन लेने जाइएगा तो 10% 20% टका वो भी मंथली के आधार पर दिया जाता है, तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसा मन कर गया उसके अनुसार देते हैं। अब इसमें सैलरी की बात करें कंपनियों में, तो यहां पर जो मान लीजिए रेहड़ी वाले या फिर दुकानदार हैं छोटे मोटे, वहां पर देखिएगा जॉब भी सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि उनको रूल से कोई मतलब ही नहीं है। वो सैलरी भी देंगे तो 5,000-10,000 में वो रखना चाहेंगे अपने यहाँ काम, जॉब से कब हटा देंगे वो भी कोई गारंटी नहीं है। आज रखें 10 दिन बाद हटा देंगे, बोल देंगे कि नहीं हमको जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर लीव लेने पर कोई भी आपको वेतन अतिरिक्त नहीं दिया जाता है, जितना काम किया जाता है उसके अनुसार यहाँ पर वेतन दिया जाता है, और बहुत ही कम, इसमें कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो कोई भी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन वगैरह नहीं दिए जाते हैं, और यही होता है असंगठित क्षेत्र। एक अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारत में असंगठित क्षेत्र जो है संगठित क्षेत्र से बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है। जैसे कि बोला जाता है ना कि हमारे देश में व्हाइट मनी से ज्यादा ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है असंगठित क्षेत्र के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। हाँ, ब्लैक मनी ऐसा नहीं कि सिर्फ असंगठित क्षेत्र से ही आता है, संगठित क्षेत्र में भी हेरा फेरी करके ब्लैक मनी को बढ़ाया जाता है, लेकिन एक बड़ी भूमिका असंगठित क्षेत्र वाले है। क्योंकि देखिएगा रेहड़ी वाले, छोटे मोटे दुकानदार वाले, गली गुच्चे में जो दुकान वगैरह रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है रूल्स रेगुलेशन क्या चल रहे हैं, आज आए कल लगाए फिर बंद कर दिए, तो चलते रहते हैं अपना, अपने जो व्यापार करने का उनका तरीका होता है उसके आधार पर वो चलते रहते हैं, उनको सरकार से रूल से उनके कोई मतलब नहीं रहता है। ये सारे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आय में इनकी बहुत बड़ी भूमिका, राष्ट्रीय जब कैलकुलेट किया जाता है ना, तो राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है। संगठित क्षेत्र में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर कितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कितने वस्तु कितने में बिक रहा है, कौन सी सेवा का उत्पादन हो रहा है, कितना कौन बिक रहा है, सभी को पता रहता है सरकार को, बैंक के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से सीएसओ इसको आकलन कर लेती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई जानकारी ही नहीं है तो कैसे इकट्ठा होगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पर होता है। फिर भी सरकार इसको सीएसओ के माध्यम से इसको जारी करती है।
क्लियर है यहां पर, संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब इसमें देखिएगा दो और टर्म है इसमें, एक है आर्थिक विकास और एक है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास को इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें इन दो टर्मों का तो ऐसा देखा जाए तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि पर ही चर्चा करते हैं। देश के आय में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को ही आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। मात्रात्मक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, जैसे कि 2020-21 में भारत का जीडीपी 100 है, 21-22 में अगले वित्तीय वर्ष में एक साल के बाद ये 110 हो जाता है, 110 हो सकता है, ये 90 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, 120 भी हो जाए। तो ये जो परिवर्तन हुआ 100 से 110 होना, यही आर्थिक समृद्धि ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है, तो यही मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे कि देश के जीडीपी में होने वाला परिवर्तन, राष्ट्रीय आय में होने वाला परिवर्तन, या तो वो गिरावट भी हो सकता है या फिर वृद्धि भी हो सकता है, उसे हम लोग आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। क्लियर है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक हम यहां पर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले का एजुकेशन सिस्टम देखिए भारत में और आज का एजुकेशन सिस्टम देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। मेजर पॉपुलेशन पहले था कि एजुकेशन से वंचित था, आज मेजर पॉपुलेशन एजुकेशन पा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल तो थे ही नहीं, अभी गांव-गांव तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हर चीज का मिल रहा है। बिजली भी देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो यही गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, इसी को आर्थिक विकास कहा जाता है। और आर्थिक विकास निर्भर करेगा आर्थिक समृद्धि पर, क्योंकि देश का आय ही नहीं बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि हम आर्थिक विकास कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब एक घर में परिवार लोग रह रहे हैं, पहले मान लीजिए 10 रुपए केजी वाला मान लीजिए चावल खाते थे, तो इनका एक निश्चित आय होगा उस समय, अब इनकी आय बढ़ेगी तभी ना वो सोचेंगे कि 20 रुपए किलो वाले अब अच्छे, मतलब और भी अच्छी क्वालिटी वाला हम चावल खाएंगे, या फिर पहले मान लीजिए झोपड़ी में रहते थे अब पक्के मकान में रहना चाहते हैं, तो जब उनकी आय बढ़ेगी तभी वो सोच सकते हैं। तो हम देश की बात करते तो देश का आर्थिक ग्रोथ होगा तभी हम आर्थिक विकास की कल्पना करेंगे, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास का बढ़ने का मतलब ये कि आर्थिक समृद्धि होने का मतलब ये है कि आर्थिक विकास होगा। और जैसा कि आप पूरे भारत में आप देख सकते हैं, भारत दुनिया के टॉप कंट्री में आता है जहां पर आर्थिक समृद्धि सबसे ज्यादा होती है, चाइना को भी पीछे छोड़ चुके, भारत अभी आगे बढ़ रहा है, ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है, तो इन दोनों पॉइंट का सिर्फ आप मीनिंग समझ गए हैं, कुछ इसका डिफरेंशिएशन बस यहां पर लिख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो यहां पर पूछ लीजिए। कोई डाउट है आप सबको, किसी को? ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए।
सबसे पहले आर्थिक समृद्धि लिखकर डैश दीजिए, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें सीधा सा डिफिनेशन लिखिए, अर्थव्यवस्था में विभिन्न चरों मतलब समझते ना, वेरिएबल्स, जैसे कि नेशनल इनकम कभी फिक्स तो नहीं रहेगा, जीडीपी फिक्स तो नहीं रहेगा, आगे हम बताएंगे जीडीपी नेशनल इनकम क्या है। तो जीडीपी मान लीजिए 100 है, तो ये तो फिक्स नहीं ना रहेगा, ये परिवर्तित होते रहेगा हम समय के अनुसार, क्योंकि आय बढ़ेगा देश का तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में होने वाला परिवर्तन, विभिन्न चरों में, या फिर उसको मात्रात्मक भी लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला मात्रात्मक या चरों में होने वाला परिवर्तन ही आर्थिक समृद्धि है। उसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। क्लियर है? इसमें इसी में दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, आर्थिक समृद्धि को दो रुपए में अभिव्यक्त किया जा सकता है, आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, पहला कुल उत्पादन में, मतलब दूसरा पॉइंट के अंतर्गत ही लिखिएगा कि आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यहां पर डॉट देके ही लिख लीजिए दो रूप कौन कौन है, कुल उत्पादन में वृद्धि होना। अब देखिएगा, कृषि चावल का उत्पादन 100 टन हो रहा था, अभी 110 टन हो रहा है, तो यहां पर भी आप ग्रोथ देख रहे हैं ना, यही है सिर्फ जीडीपी, क्योंकि कृषि उत्पादन में कुल उत्पादन में वृद्धि होने का मतलब क्या है कि वो भी तो एक ग्रोथ ही दिखा रहा है। तो कुल उत्पादन में वृद्धि, और इसी में फिर दूसरा पॉइंट इसी के नीचे लिख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, हम आपको आगे बताएंगे एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो प्रति व्यक्ति आय ही होता है, उसी के आधार पर देखा जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ना उस देश के लिए एक शुभ संकेत होता है। भारत की बढ़ रहा है, हाँ भले ही धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो इसमें कुल उत्पादन में वृद्धि और दूसरा दो विभिन्न जो रूप हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना ही आर्थिक समृद्धि है। अब आर्थिक विकास क्या है, तो होने वाला मतलब अर्थव्यवस्था में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, जैसे शिक्षा संरचनात्मक जो परिवर्तन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बदलाव है, फ्लाईओवर, अब गांव गांव तक बिजली पहुंच रही है, यही तो आर्थिक विकास है। अब हम बिजली की कल्पना गांव तक तब कर सकते हैं जब हमारे देश में आय बढ़ रहा हो, तो इसीलिए एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक विकास लिखकर डैश दीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन
गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं, जिसमें सामाजिक मूल्य इंग्लिश में इसको सोशल वैल्यू, क्योंकि विकास अगर हम किसी क्षेत्र में देख रहे हैं उसका अपना एक सामाजिक मूल्य होता है, सोशल वैल्यू। सामाजिक मूल्य क्लियर है हमें। अच्छा एक चीज और इसमें, मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन है वो किस में आएगा, आर्थिक विकास में या आर्थिक समृद्धि का भाग है। जैसे कि हमने बोला जो प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो रहा है, ये किसके अंतर्गत है, आर्थिक विकास का भाग है या फिर आर्थिक समृद्धि का है, कमेंट करके बताइए। जैसे कि अगर पूछा जाए कि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है एक चीज से आर्थिक समृद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बोला कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैसे कि अभी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन हो रहा है, हाई टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, हम 4G से 5G की अब कल्पना कर रहे हैं, अंतरिक्ष में डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज का, हम चंद्रयान तक पहुंच चुके, मतलब हमारी जो एक स्पेस मिशन है तो उसके तहत ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये किस चीज को, आर्थिक विकास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ये राष्ट्रीय आय से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जिसको हमको जानना जरूरी था। अब यहां पर जो आगे हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, अब वो राष्ट्रीय आय के जो मूल टॉपिक हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय को ही समझते हैं कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का सीधा सा अर्थ है देश का आय। जैसे कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो अगर पूछा जाए कि उस परिवार का आय क्या है, सिर्फ अगर परिवार से पहले एक व्यक्ति की बात करते हैं, आप एक व्यक्ति, हम एक व्यक्ति हैं, तो हमारी आय क्या है, हमारे परिवार की आय क्या है। अगर हमारी आय पूछा जाए तो हमारे इंडिविजुअल की, अगर हमारे परिवार की पूछा जाए तो परिवार में जितने लोग हैं उसका पूछा जा रहा है कि उस परिवार में रहने वाले मान लीजिए 5 लोग हैं, तो हो सकता है कि सभी इक्वल ना कमाते हो, कोई कम कमाता हो, कोई ज्यादा कमाता हो, या फिर कोई कमाता ही नहीं हो, और कुछ कमाते हो सारे कमाते नहीं हो, ऐसा भी होता है बिल्कुल। तो उसी के आधार पर निकाला जाए, ये पारिवारिक आय हो गया। अब हर एक व्यक्ति के आय को जोड़ दिया जाए, हम देश की आय की बात कर रहे हैं, तो देश में रहने वाले कुल लोगों का आय को बताना है, वही आपका देश की आय कहलाएगा। अब ये सवाल उठता है कि देश की आय क्या हमेशा देखिएगा तो हर व्यक्ति का आय कुछ होता ही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके आय का स्रोत ना हो, किसी व्यक्ति का आय का स्रोत बहुत ज्यादा हो, कोई 1 मिनट में एक एडवर्टाइजमेंट करता है तो 100 करोड़ कमा लेता है, और कोई 100 रुपया भी नहीं कमा पाता है दिन भर में, तो अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन सभी को जोड़कर ही निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। क्लियर है। राष्ट्रीय आय को टेक्निकल अगर डिफिनीशन देखा जाए तो राष्ट्रीय आय को डिफाइन किया गया है कि किसी भी देश या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में किसी भी वार्षिक यहां निकाला जाता है, और यहां पर वार्षिक 12 महीने का लिया जाता है, 12 महीने का, क्योंकि हम लोग यहां पर ध्यान रखिएगा
राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, मतलब कि हम एक तरह से वहां पर लेखांकन का काम कर रहे हैं। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं पूरे देश भर में, या फिर एक व्यापार में देखते हैं, व्यापार में दिन भर में सेल परचेज होता है, वस्तु आता है, बेचा जाता है, फिर रॉ मटेरियल आता है, सैलरी दिया जाता है, तो उन सभी को ही एक क्रमबद्ध से रिकॉर्डिंग करना, एक जगह लिखना, यही कहलाता है लेखांकन। तो राष्ट्रीय आय भी एक लेखांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। और लेखांकन जो हमारे देश में किया जाता है वार्षिक के आधार पर किया जाता है, एक वर्ष के दौरान किया जाता है। और हमारे यहाँ एक वर्ष को काउंट किया जाता है 12 महीने के लिए, और 12 महीने जो लिया जाता है वो 1 अप्रैल से लिया जाता है। हमारे यहाँ जो लेखांकन वर्ष प्रारंभ होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और ये अगले साल के 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक, यही है लेखांकन वर्ष। तो इसको बोला जाता है एक अन्य नाम से जिसको आपने सुना होगा, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष इंग्लिश में अकाउंटिंग ईयर, लेखांकन वर्ष, और इसको इंग्लिश में वित्तीय वर्ष को फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में एक लेखांकन ईयर, एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष के दौरान जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, अब देश है तो देश में वस्तु होंगे, सेवा होंगे, उनका उत्पादन होगा, और सेवाओं का उत्पादन हुआ तो उसे मार्केट में बेचा जाएगा, बाजार में ही बेचा जाएगा, तो उसी का जो अंतिम बाजार मूल्य होगा, जिस मूल्य पर बाजार में बिका, जैसे कि एक प्रोडक्ट का एमआरपी या फिर जो उसका एक फिक्स प्राइस तय किया जाता है, जरूरी नहीं कि उसी रेट पर मार्केट में बिका हो, कम में भी बिका हो सकता है, ज्यादा तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, तो कम में बिका हो सकता है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं अंतिम बाजार मूल्य। जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध, ये तो देश के अंदर हो गया, किसी भी देश या क्षेत्र के सीमा के भीतर किसी भी एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ और उसी का अंतिम बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं। शुद्ध आय को शामिल किया जाए, शुद्ध मतलब यहां पर नेट होता है, ये नेट इस आधार पर लिया जाता है ना, शुद्ध इसलिए बोलते हैं यहां पर, इसको एक अन्य न्यूअल भी बोला जाता है, कि हमारे देश में कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे कि भारतीय जो है दूसरे देशों में जाकर आय प्राप्त करके अपने देश में, हमारे देश में भेज रहे हैं, तो बहुत सारे विदेशी लोग भारत में भी आ रहे हैं और हमारे भारत से कमाकर अपने देश में जा रहे हैं पैसा लेकर, अर्न करके। अब देखिए आपके हाथ में मोबाइल होगा, देखिए एक या तो चाइना के कंपनी का हो या फिर अमेरिका की कंपनी का, या तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे देश में बाहर से भी आते हैं, तो हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो हमने मान लीजिए 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा, सरकार क्या करेगी, टैक्स या फिर जो विभिन्न प्रकार के सरचार्ज वगैरह सेज वगैरह वही लेगी ना, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो तो कंपनी को जाएगा, मान लीजिए चाइना की कंपनी तो चाइना में जाएगा, तो हमारे देश से भी वो लेके गए, तो इसलिए यहाँ पर नेट निकाला जाता है, जितना इम्पोर्ट हुआ जितना एक्सपोर्ट हुआ उन दोनों का बैलेंस निकाला जाता है और वही को यहाँ पर जोड़ा जाता है, तो इसी को कहा जाता है देश की आय, राष्ट्रीय आय यही है। क्लियर है? राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय भी एक शामिल होता है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम का सीधा सा अर्थ है हम बोल रहे हैं एक व्यक्ति का इनकम। तो एक व्यक्ति का इनकम कैसे पता करेंगे, तो जितने हमारे देश का आय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय, तो उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, सीधा सा यहां पर एक मतलब कि मैथमेटिकल है ये, हमको एक व्यक्ति का इनकम चाहिए, तो पूरे देश के इनकम जो है उसे हर एक देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय क्या है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय एक्चुअल नहीं होता है, कभी भी एक्चुअल नहीं होगा, कभी भी ये वास्तविक नहीं होता है, आगे हम बताएंगे कि आखिर प्रति व्यक्ति आय जब
वास्तविक है ही नहीं, तो इसको कैलकुलेट क्यों किया जाता है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर सीएसओ बहुत सालों से मेहनत करती रहती है, सालों भर, कि प्रति व्यक्ति हमें पता चलना चाहिए, तो क्यों आखिर पता चलना चाहिए जबकि वास्तविक नहीं है। अब यहां पर एक हिंट समझ लीजिए कि वास्तविक इसको हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम मान लीजिए बोलते हैं कि राष्ट्रीय आय कुछ है और टोटल पॉपुलेशन कुछ है, डिवाइड करने के बाद पता चला कि 10,000 प्रति व्यक्ति आय निकल रहा है, क्या वास्तव में देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इनकम 10,000 है? इसका उत्तर आप खुद बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 10,000 करोड़ भी कमाने वाला है एक साल में, एक साल का एक महीने में, और कोई एक दिन में 100 रुपया नहीं कमा पाता है, या फिर एक महीने में भी उसको 1,000 रुपया इनकम नहीं है, तो ये वास्तविक कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी ये निकाला जाता है, उसका कारण है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसके फैक्टर को समझ लेंगे। तो अभी तक हम यहां पर राष्ट्रीय आय को और समझा रहे थे, इसमें राष्ट्रीय आय में कोई दिक्कत है? राष्ट्रीय आय का मतलब सीधा सा है देश का आय, और देश का आय निकालने का सीधा सा तात्पर्य है कि देश की कुल जनसंख्या को जोड़कर ये निकाला जाता है, एक एक व्यक्ति का इनकम। इतना ये देखने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन इतना ही मुश्किल रहेगा। ये अभी हम बता रहे थे संगठित और असंगठित क्षेत्र, मतलब कि सरकार को तो कुछ ऐसा चीजों के बारे में पता ही नहीं है जिसको जोड़कर निकाला जाए, तो बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड होता है राष्ट्रीय आय निकालना, जो हमारे भारत सरकार का एक मंत्रालय है, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, उसी के तहत काम करता है सीएसओ, वही राष्ट्रीय आय निकालने का काम करता है, जिसके बारे में और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ डिफिनेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अर्थशास्त्री ने क्या डिफिनेशन वगैरह दिया है, तो यहां पर कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है। अब यहां पर जो राष्ट्रीय आय के घटक है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आय के जो चार घटक है, चार कंपोनेंट है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एक है एनएनपी। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में इसको कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पर समझते हैं इसका अर्थ क्या क्या है। जीडीपी अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी ये भी जो निकाला जाता है ये साल भर का निकाला जाता है। जीडीपी इस आधार पर निकाला जाता है कि एक वर्ष के दौरान एक साल का, क्योंकि हम लोग यहां पर लेखांकन कर रहे हैं तो लेखांकन 100 साल का 50 साल का तो नहीं निकालेंगे, हमें एक डाटा चाहिए कि साल भर में ये आंकड़े, ध्यान रखिएगा लेखांकन हम एक दिन का भी कर सकते हैं, एक साल का, एक महीने का, एक 100 साल का, लेकिन हमें एक ऐसा डाटा चाहिए इतने पीरियड का जो कि हम एक हमारा एक रेगुलर बेसिस पर चलता रहे। तो पूरे देश ने अपनाया कि साल भर के आधार पर 12 महीने के आधार पर जो हमारा चलता है उसके आधार पर निकालें। अब बोलिए सर कैलेंडर ईयर नहीं लेना चाहिए जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो लेकिन बाद में अपनाया गया इसी को, बीच में कुछ बहुत सारी चीजें हुई थी, इसके बाद से 1 अप्रैल से ही कंसिडर किया गया है, तो हम लोग को उसके पीछे नहीं पड़ना है, बस इतना ध्यान रखिए ये 12 महीने का निकाला जाता है कि एक डाटा हम समझेंगे 12 महीने का क्या स्थिति हमारे देश का, तो उसी के अंतराल पर हम लोग हर एक साल का निकालते हैं। तो जीडीपी भी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकाला जाता है उसी आधार पर। जीडीपी में ध्यान रखिएगा यहां पर हम सिर्फ अपने देश तक ही सीमित रहेंगे, भारतीय सीमा के अंतर्गत ही हम यहां पर सिर्फ सीमित रहेंगे, जो भी भारत की सीमा है उसी के अंतर्गत हम लोग सीमित रहेंगे, हमें भारत से बाहर जाना ही नहीं है। इसको मान लीजिए कि आप अपने कंट्री में हैं, दूसरे कंट्री से मतलब नहीं है हमको। अब ऐसा नहीं कि इस देश में विदेश व्यापार नहीं हो रहा है, हो रहा है,
लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम अपने देश की सीमा के भीतर ही बात करेंगे, हमें दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो जीडीपी को हम सीधा से अगर कैलकुलेट करें तो जीडीपी किस आधार पर कैलकुलेट होता है तो इसको समझिए। तो देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और फिर उनको जिस बाजार मूल्य पर, जिस मार्केट प्राइस पर बेचा जाता है, वही जीडीपी कहलाता है। एक साल हुआ, एक साल के अंतर्गत जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा तो उसे बाजार में बेचा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस लेना है, एमआरपी नहीं लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू। या फिर एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि जीडीपी में वस्तु एवं सेवाओं को कौन सा प्राइस लिया जाता है मूल्यांकन करने के लिए। तो मार्केट प्राइस हमेशा टिक कीजिएगा, एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करता रहता है। ऑप्शन दे देगा ये एमआरपी, दूसरा दे देगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब एक उचित मूल्य, जैसे कि आप मार्केट में गए तो एक उचित मूल्य पर थोड़ा कोई तय होता है। हाँ, अपने रिलेटिव के पास जाते हैं तो वो बोल देता है कि जो आपको मन करेगा दे दीजिएगा, आपका तो हर मार्केट में रिलेटिव तो नहीं है, तो एक फेयर वैल्यू इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दे देता है ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन दे देगा मार्केट प्राइस, और चौथा ऑप्शन देगा कि गवर्नमेंट प्राइस, गवर्नमेंट ने जो तय करके रखा हुआ है वो प्राइस। तो इसमें से आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना है, सीधा आप टिक कीजिए कि मार्केट प्राइस पर ही जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी या फिर एनएनपी या फिर एफटीआई कैलकुलेट किया जाता है। फाइनल मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस वो फेयर प्राइस बता रहा है कि जिस मार्केट पर वो वस्तु और सेवा बिका मार्केट में, बस वही प्राइस ये बता रहा है मार्केट पर, जो मार्केट प्राइस जो है बाजार मूल्य। तो यहां पर सीधा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की सीमा के भीतर, जैसे कि भारत का अपना सीमा क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र है, वायु क्षेत्र है और जल क्षेत्र है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है पूरा। आप देखिएगा, ये तो ये स्थल से यहां पर देख सकते हैं आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और इधर म्यांमार, इन सारे देशों से ये सटा हुआ है। ये स्थलीय क्षेत्र है। वायु क्षेत्र मतलब कि जो वायु क्षेत्र है जो देश के सीमा के भीतर, और आपको पता होगा कि जलीय क्षेत्र, हर देश का अपना एक जलीय कंट्रोल होता है, समुद्री सीमा होती है। जैसे कि भारत का अपना 200 नॉटिकल माइल्स है, ये मापा जाता है समुद्र के, नॉटिकल माइल्स एक होता है माप करने का तरीका, 200 नॉटिकल माइल्स है तो ये मापने का तरीका होता है। तो इस सीमा के भीतर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होगा एक साल के दौरान, वही जीडीपी कहलाता है। तो ये जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया। जीडीपी में कोई डाउट है? जैसे कि भारत में, अब बोलिएगा सर कि भारत में एक विदेशी कंपनी आती है अमेरिका से, भारत में उत्पादन करती है, तो क्या भारत के जीडीपी में शामिल होगा? तो इसका उत्तर होगा यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शामिल समझ लेते हैं जीडीपी मतलब अपने देश की सीमा के भीतर, तो अपने देश वाले जो बनाएंगे सिर्फ वही, विदेश वाले आके हमारे देश में बनाएंगे तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अब क्यों करेंगे? क्यों? इसलिए कि हमारे देश की सीमा के भीतर बना रहे हैं इसीलिए हम करेंगे, हमारे देश के बाहर चले जाइए हम नहीं करेंगे। चीन में जो बनाएगा हम भारत में थोड़े शामिल करेंगे, हम अपने देश से संबंधित है तो हम जीडीपी की बात अपने देश में करेंगे, किसी और से मतलब नहीं है, चाहे वो हमारी कंपनी हो, हमारे देश की कंपनी हो, चाहे वो विदेशी कंपनी हो। अब आते हैं जीएनपी। जैसा कि यहां पर देख रहे थे कि हम जीडीपी में सिर्फ अपने देश के सीमा के भीतर रह रहे थे, चाहे वो वायु में हो, स्थल में हो या फिर जल क्षेत्र में हो, लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो यहां पर नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता मतलब भारतीयों के द्वारा, तो भारतीय भारत में भी होंगे और भारत के बाहर भी होंगे, मतलब कि भारतीयों के द्वारा किसी भी एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा वही कहलाता है जीएनपी। और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं। अगर देखा जाए वास्तविक राष्ट्रीय आय, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय जीएनपी ही रिप्रेजेंट करता है। वास्तविक
एनएनपी बताएंगे तो वहां पर भी वास्तविक सबसे शुद्ध अगर मूल्य चाहिए शुद्ध तो यहां पर ही पता चलेगा, लेकिन ये तो ग्रोस वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ना, क्योंकि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं, तो यहां पर सीधा सा भारतीयों के द्वारा किसी भी एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ उसी का जो अंतिम बाजार मूल्य होगा, अंतिम बाजार मूल्य जिसमें कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी, वही कहलाता है जीएनपी। तो मतलब सीधा सा यहां पर एक डिफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक चीज यहां पर क्लियर तो ये हो गया कि भारतीय नागरिकता हम देख रहे हैं तो नागरिकता भारतीय भारत में भी होंगे और भारत के बाहर भी होंगे, तो जो भारत के अंदर होंगे तो वो जीडीपी कहलाएगा, जो भी उत्पादन होगा भारतीयों के द्वारा भारत में तो वो जीडीपी कहलाएगा, और जो विदेश से प्राप्त होगा उसको यहां पर एनएफआईए से रिप्रेजेंट करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। तो मतलब कि जीएनपी इज इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी, क्योंकि जीएनपी में जीडीपी तो शामिल होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं भारत में जितना भी उत्पादन हुआ सारे वो तो शामिल होगा ही, और जो बाहर रह रहे हैं उनको भी शामिल करना होगा, तो इसीलिए यहां पर जीडीपी प्लस एनएफआईए, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, क्लियर है? या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस एनएफआईए। अब यहां पर एक बार प्रश्न पूछा गया था आपकी एग्जाम में कि जीडीपी जीएनपी के बराबर कब होगा, जीडीपी जीएनपी के बराबर कब होगा। कल हम वैश्विक संबंधों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था बता रहे थे दो प्रकार के, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज इकोनॉमी। जब ओपन इकोनॉमी होगा तो एनएफआईए जीरो नहीं, मतलब जीएनपी जीडीपी के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिफरेंट होगा ही। लेकिन जब क्लोज इकोनॉमी होगा तो विदेशी व्यापार होगा ही नहीं, क्लोज इकोनॉमी का सीधा सा मतलब क्या है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार होगा ही नहीं। अब दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं होगा तो मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब जब ये जीरो हो गया तो जीएनपी और जीडीपी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी व्हेन क्लोज्ड इकोनॉमी, या फिर एनएफआईए जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब यहां पर दो मेन, इसमें दो ही था पॉइंट, जीडीपी और जीएनपी। अब यहां पर एक एनडीपी है और एनएनपी, तो ये कुछ नहीं है, बस इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे कि एक आप वस्तु खरीदते हैं 2012 में, तो आज के डेट में 2020 में उस वस्तु का दाम वही रहेगा, तो इसका उत्तर होगा सीधा सा नहीं। आप एक कार खरीदते हैं 2015 में, आज के डेट में उस कार का वैल्यू आज वही रहेगा, नहीं, शोरूम से निकलते ही उस कार का वैल्यू घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब किसी प्रोडक्ट, जो एक नया प्रोडक्ट होता है, आप उसका उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने की वजह से उसका वैल्यू घट गया, क्योंकि वो मशीनी चीजें होती हैं तो उसका वैल्यू घटते रहता है, जंग वगैरह लगते हैं, क्षरण वगैरह होता है, उसका वैल्यू घट जाता है। हाँ, कुछ चीजों का वैल्यू घट नहीं घटता, जैसे कि लैंड वगैरह का, जमीन वगैरह का, उसका वैल्यू तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो कुछ इसका एक्सेप्शन है, लेकिन अधिकतर चीजों का वैल्यू गुड्स का, हम सर्विसेज की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू तो गुड्स का ही घट सकता है, सर्विसेज का तो वैल्यू दिखता ही नहीं है कि उसका वैल्यू घटा है या फिर नहीं है, उसका तो अपना एक, जब उसका उपयोग किया जा रहा है तभी उसका वैल्यू होता है, तो उसका घट जाता है। तो हम लोग वहां पर अब शुद्ध की बात करते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है वो हमको चाहिए, तो फाइनल वैल्यू वही निकाला जाता है, तो एनडीपी इज इक्वल टू यहां पर हो जाता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्य ह्रास कहते हैं, मतलब वस्तुओं में होने वाला मूल्य परिवर्तन, जो वैल्यू घट गया उसका वही मूल्य ह्रास, तो हम लोग को यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर देखा जाए तो एक शुद्ध आय यही बताता है। अब एक कार है, कार को आप कितने भी बोलिए कि 10 लाख में हम लिए थे, तो क्या आप शुद्ध वैल्यू उसका बता रहे हैं? इसका उत्तर होगा नहीं, आप गलत वैल्यू उसका बता रहे हैं।
आपने खरीदा था भले ही उस दिन आपका 10 लाख का था, बिल्कुल था उस दिन, लेकिन आज के डेट में 2 साल बाद उसका वैल्यू 10 लाख थोड़े, आप उसको बताइए कि 5 लाख वैल्यू इसका, 6 लाख वैल्यू, तब उसका वास्तविक आय आप बता रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको कल्पना करते हैं, नहीं हमने तो 10 लाख का लिया, हाँ जमीन है तो जमीन का अलग, यहाँ पर जमीन को हम काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो हम सिर्फ वस्तुओं का काउंट कर रहे हैं, तो वास्तविक वैल्यू तो आपके उपयोग करने की वजह से वो मशीन अब चूंकि मार्केट मतलब सड़क पर चला तो उसका वैल्यू घट गया, मतलब उसका जो क्वालिटी था वो घट गया, टायर वगैरह हो गया, मतलब हर चीज का वैल्यू घट गया, इसलिए अब उसका तो हमको रियल वैल्यू चाहिए, तो रियल वैल्यू तो इसलिए डिप्रिसिएशन को यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है, तब हमें रियल वैल्यू वास्तविक मूल्य पता चलता है। ये जीडीपी से एनडीपी निकाले, अब जीएनपी से हमको एनएनपी चाहिए, तो इसमें भी वही चीज करेंगे, जीएनपी सॉरी एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, जो मूल्यह्रास हुआ, जो वस्तु के दामों में जो कटौती हुआ उसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये चार इंपोर्टेंट फैक्टर थे, कंपोनेंट थे, जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी। तो एक चीज यहां पर पता चल गया होगा कि अगर हमें सकल से नेट चाहिए, सकल मतलब कि ग्रोस था, हमको नेट चाहिए, तो क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना होगा मूल्यह्रास को। नेट से हमको ग्रोस चाहिए तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देना होगा। ये समझ रहे हैं, यहां पर सीधा सा किए अलग हम कुछ नहीं बता रहे हैं। यहां पर देखिए जीडीपी था, ग्रोस था, ये ग्रोस वैल्यू था, अब हमको नेट चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो देखिए मूल्यह्रास को माइनस किए हैं। यहां पर देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पूरा नहीं देगा उसमें, सकल घरेलू उत्पाद सब नहीं लिखेगा, सीधे देगा कि सकल से हमें चाहिए नेट, तो हम लोग डिप्रिसिएशन उसमें माइनस करते हैं, जोड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इस सब ऑप्शन उसमें रहते हैं। तो यहां पर सीधा देखना है कि हमें ग्रोस चाहिए, ग्रोस पहले था, हमको नेट चाहिए, तो माइनस कर दी डिप्रिसिएशन, अब नेट से हमको ग्रोस चाहिए तो डिप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए। उसी तरह जब हम बात करते हैं एनडीपी से, डोमेस्टिक से हमें नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक था पहले, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से हमें चाहिए क्या, नेशनल। जीडीपी यहां पर डी फोर डोमेस्टिक और एन नेशनल, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड को ऐड कर देंगे विदेशों, यहां पर देखिए डोमेस्टिक था तो डोमेस्टिक में यहां पर विदेशों से प्राप्त होता है को कुछ नहीं किए, लेकिन जब हमें नेशनल चाहिए तो जीडीपी में हम लोग ऐड कर दिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड विदेशों से प्राप्त होता है, तो हमें यहां पर ये मिल गया। अब हमें नेशनल है तो नेशनल से हमें डोमेस्टिक चाहिए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड को माइनस कर दीजिए, जब ये जीरो हो जाएगा तो डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल हो जाएगा, मतलब कि हमारा देश क्लोज्ड हो जाएगा, दूसरे देशों से विदेशी व्यापार नहीं करेगा, तो नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद भी बहुत सारे अदर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि पर्सनल इनकम, व्यय योग्य आय, और एक जो पर कैपिटल इनकम था इसका कॉन्सेप्ट वगैरह, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, तो उन सब के बारे में अब हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के क्लास में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसको ध्यान में रखना है आपको। एग्जाम में समझिए कि 3-4 प्रश्न 150 प्रश्न आएगा, तो 3-4 प्रश्न कम से कम नेशनल इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का है, अर्थव्यवस्था का है, उससे पूछा जाता है। मिनिमम बता रहे, उससे ज्यादा ही प्रश्न रहेगा क्योंकि 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक से हम का तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 दहिया 150, हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न। तो पहला जो टॉपिक आप देखिएगा, अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, तो 10 प्रश्न आएगा कम से कम, मतलब अगर टॉपिक वाइज भी चलिएगा तो। लेकिन फिर भी हम एक टॉपिक का बता रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय आय से तो 4-5 प्रश्न रहेंगे ही, और बाकी मूल टॉपिक से रहेंगे, जैसे क्षेत्र पूछ देगा, फिर आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, SDI पूछा जा सकता है इसमें, तो फिर अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है वो पूछा जा सकता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अविकसित, ओपन, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो उस पर कहीं पर प्रश्न आ सकता है। तो हर एक चैप्टर, मतलब हर एक यूनिट आपका 10 प्रश्न कम से कम रखेगा। 15 टॉपिक है, एक टॉपिक 10 प्रश्न कम से कम रखिए, तो ये सारे लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है आज के सेशन में? ओके।